अभी हम देख रहे हैं एशियन पेंट की चार्ट। तो यहाँ पे एशियन पेंट में देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। एशियन पेंट में देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से देखिए, ये से फॉल किया, रिट्रेसमेंट किया, अगेन फॉल किया, ठीक है। तो ये लोअर लो बनाते हुए जा रहा है मार्केट। तो यहाँ देखते हैं कि मार्केट क्या वो डाउनवर्ड कंटिन्यू कर रहा है या अब यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, ऐसा हम देखते हैं। पहले पहले देखिए, ये अगर ट्रेंड लाइन का हम लोग देखें, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक नहीं निकल जाता तब तक मार्केट बाइंग लॉन्ग साइड है हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो तब तक हम लोग क्या ढूंढेंगे, शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फिलहाल, ठीक है। डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट में देखिए, यहाँ पे शार्प फॉल आया, ठीक है। फॉल आने के बाद मार्केट साइडवेज हुआ है यहाँ पे, उसके बाद ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे देखिए साइडवेज चैनल बनाया, उसके बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया, और देखिए बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आया। जैसे यहाँ पे फॉल किया था उस तरह से यहाँ पे रिकवरी भी हो गया। अभी देखते हैं रिकवरी के बाद क्या हुआ है ना मार्केट, क्या है यहाँ पे देखिए। रिकवरी के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज चैनल बना दिया है, ठीक है। यहाँ से क्या मिल रहा है इसको, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, इसका सपोर्ट सपोर्ट लाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक चैनल बनाते हुए जा रहा है मार्केट अभी, ठीक है। अभी इस चैनल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार है, तो मार्केट कहाँ पे जा रहा है पता चलेगा। अगर ब्रेकआउट भी मिल जाता है तो वहाँ पे लॉन्ग साइड एंट्री करना गलत हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, रेजिस्टेंस लाइन है। रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग लॉन्ग को कंसिडर कर सकते हैं, उसके पहले हम लोग लॉन्ग साइड नहीं जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है मार्केट घूम जाए, तो यहाँ पे अगर मार्केट का एक रिजेक्शन मिलता हुआ देखेंगे तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी देख के शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो भी हम लोग यहाँ से शॉर्ट साइड एंट्री कर सकते हैं, तो अच्छा खासा डाउन साइड फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रेदर देन लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड का इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब क्रॉस कर जाएगा लॉन्ग साइड में हम लोग, तब हम उसका अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करेंगे तो बेहतर रहेगा।